हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं एक अजीब तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हम लोगों से क्वेश्चन में नाम दे दे के पूछ देता है कि इतने कार्बन के मतलब इतने प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बन की हमें चेन बना के दिखाओ, उसमें कितने प्राइमरी होंगे, कितने टर्शियरी होंगे, कितने सेकेंडरी होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ देता है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन सामने देख लेंगे, अभी अभी तुरंत देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के नीट का जो एग्जाम होता है उसमें पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन से ही क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट इन अ लोवेस्ट एल्केन। ध्यान देने वाली बात यही है, लोवेस्ट एल्केन मतलब कम से कम कार्बनों की चेन होनी चाहिए, लोवेस्ट एल्केन बनाना है हमें, हैविंग टू टर्शियरी कार्बन, टू टर्शियरी कार्बन, टू टर्शियरी कार्बन एंड वन सेकेंडरी कार्बन, ठीक है दोस्तों। तो हमें बनाना है लोवेस्ट एल्केन बनाना है। सबसे पहले लोवेस्ट एल्केन बनाने के लिए हम लोग एल्केन बनाना है हमें, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, इन और आइन नहीं आएगा, केवल एल्केन एन, ठीक है। तो हमने कोई भी ऐसे सिंपल चेन ले लिया, कोई भी एक कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड की ले लिया हम लोगों ने, एन बना दिया, एल्केन बना दिया। अब जैसे कि हम लोगों ने यहां से शुरू किया, ठीक है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, इधर से भी। तो हम लोगों ने इधर से चेन बनाया है मैंने, ठीक है। तो हम लोग इस कार्बन से एक कार्बन जोड़ दिया, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया और हमें ये सेकेंडरी हो गया। हमें ये ध्यान देना है कि वन सेकेंडरी कार्बन हम लोग को चाहिए और टू टर्शियरी कार्बन एटम बनाना है, ठीक है, लोवेस्ट एल्केन रहनी चाहिए, ठीक है। एक चेन ले लिया, इसमें ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ये सेकेंडरी कार्बन क्यों हुआ, क्योंकि ये एक कार्बन और दो कार्बन दोनों तरफ से दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसकी जो बाकी दो वैलेंसी है वो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें कार्बन की चेन से मतलब है, कार्बन से मतलब है, कार्बन एटम से, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन हो गया, हमें एक सेकेंडरी कार्बन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, टू टर्शियरी कार्बन चाहिए, ठीक है। टू टर्शियरी कार्बन कैसे मिलेगा, जैसे कि देखिए इसको अगर हम लोग टर्शियरी बनाते तो नहीं, ये सेकेंडरी नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि ये दो ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों ने एक कार्बन और लगाया, तो ये इससे बोला, ये देखिए प्राइमरी ने इसे कहा भाई तू सेकेंडरी हो जा, तो ये सेकेंडरी हो गया, दो कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। इस कार्बन से जो है, अब इस कार्बन से क्या है, ये कार्बन कह रहा है इस कार्बन से भाई मैं सेकेंडरी हूं तो टर्शियरी हो जा, तो ये टर्शियरी होने के लिए तीन कार्बन से कम जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक कार्बन से जोड़ दिया, दो कार्बन से जोड़ दिया और ये तीसरा ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये तीन डिग्री कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया, एक टर्शियरी कार्बन हम लोग को मिल गया और ये एक और टर्शियरी कार्बन क्वेश्चन में मांग रहा है, ठीक है, टू टर्शियरी कार्बन। तो इससे जुड़ा एक और जो कार्बन था ये वाला, जिसकी वजह से ये वाला टर्शियरी हुआ था, तो ये टर्शियरी था ही, तो इससे ये बगल में बोला भाई तू भी टर्शियरी हो जा, तो दो टर्शियरी कार्बन एटम हम लोग को मिल जाएंगे और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ये कार्बन क्या किया, इस कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया और ये इधर से जुड़ा ये था, एक दो तीन कार्बन से जुड़ गया, ये टर्शियरी कार्बन हो गया, ये टर्शियरी कार्बन था ही। तो हमें दो टर्शियरी कार्बन मिल गए, एक सेकेंडरी कार्बन मिल गया, एक प्राइमरी कार्बन मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन की जो शर्तें थी, जो रूल थे, वो फॉलो हो गए, ठीक है, उसकी शर्तें पूरी हो गई। तो ये हो गया आपका लोवेस्ट एल्केन। एल्केन में ध्यान देने वाली बात ये है, एन इन आइन नहीं है, एन है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। यही क्वेश्चन में मेन खासियत है कि लोवेस्ट एल्केन बनाना है जिसमें दो टर्शियरी कार्बन एटम हो और एक सेकेंडरी कार्बन एटम हो, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट, मतलब इसमें जो आपने बनाया है इसमें कितने प्राइमरी कार्बन एटम हैं, ठीक है, वही हमें काउंट करके बताना है और ऑप्शन में टिक करना है। तो चूज कर लेते हैं यार, ये तो सिंपल है, जिससे जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो वही हो जाएगा आपका प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ये देखिए एक प्राइमरी कार्बन, दो प्राइमरी कार्बन, तीन प्राइमरी कार्बन, चार प्राइमरी कार्बन, चार सी बात है, हम लोग फोर वाले पे टिक कर देते हैं, चार प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, जैसे कि हम लोग प्राइमरी कार्बन के लिए क्या कहते हैं, जहां से चेन शुरू होती है अक्सर वहीं से मिल जाते हैं हमें प्राइमरी कार्बन, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटी सी माइन्यूट ट्रिक है, जहां से कार्बन शुरू होते हैं, जहां से चेन शुरू होता है, ठीक है, वहीं से मिल जाते हैं हमें प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं इसी टाइम में, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ लोवेस्ट एल्केन, यहाँ पे भी लोवेस्ट एल्केन बनाना है, हैविंग ऑल फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ऑल फोर का मतलब क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है, जिसमें चार कार्बन से जुड़ा होता है एक कार्बन।
ठीक है, तो हमें चारों तरह के कार्बन बनाना है, लोवेस्ट एल्केन होना चाहिए और उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी बना लिया, कोई भी हम लोगों ने बना लिया ये कार्बन, कार्बन की कोई भी एक चेन ले लिया, यहां से शुरू कर लिया, एक दो तीन चार बना लिया हम लोगों ने, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लोवेस्ट एल्केन हैविंग ऑल फोर टाइप्स ऑफ, हमें चारों टाइप के बनाने हैं। ठीक है, चारों टाइप के बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला ये प्राइमरी कार्बन बन गया, एक कार्बन से जुड़ गया, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब ये बोला बगल में, भाई मैं प्राइमरी हूं तो सेकेंडरी हो जा, तो इसने क्या किया, एक कार्बन से ये जुड़ गया, तो एक कार्बन से यहां जुड़ा, एक कार्बन से ये जुड़ा, ये मिलके क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ठीक है, ये सेकेंडरी था, ये भाई इससे बोला जिससे जुड़ा हुआ था, ये बोला इससे, भाई तू टर्शियरी हो जा। अब टर्शियरी होने के लिए इनको तीन कार्बन से कम तीन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम भी तीन कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए टर्शियरी होने के लिए। ठीक है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये देखिए, ये टोटल मिलके एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़ गया, टर्शियरी कार्बन मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्वार्टरनरी कार्बन भी चाहिए, क्वेश्चन में मांगा है भैया, उसकी मांग है, क्वार्टरनरी कार्बन भी हमको चाहिए। तो क्वार्टरनरी कार्बन होने, ये टर्शियरी थे भाई, बगल में बोले भाई तू क्वार्टरनरी हो जा, अब क्वार्टरनरी होने के लिए क्या किया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चारों वैलेंसी अपनी कार्बन से ही ऐड कर लिया, कार्बन से ही बॉन्डेड हो गया, तो ये हो गया आपका टर्शियरी कार्बन, चार डिग्री कार्बन या फोर डिग्री कार्बन। तो इस तरह से चारों तरह के कार्बन मिल गए हमको। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा हमसे, तो 8, तो हम लोगों ने टिक कर दिया कार्बन एटम्स 8। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ, जिसका नाम है एल्केल ग्रुप, क्या होता है, क्या होता है इसमें, कैसे क्या यूज है, जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।